बात तीसरी खबर की। हरियाणा में निकाय चुनाव के रण में बाजी मारने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी जान से जुट गई हैं। बीजेपी, जेजेपी के अलावा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब छोटी सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन देखना यह है कि हरियाणा की जनता के सामने कौन अपने मुद्दों को स्पष्ट तौर पर लेकर जा पाता है, और उससे भी पहले संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर कौन जनता के विश्वास और उम्मीदों में खरा उतर पाता है। लेकिन समीकरण क्या कहती है, रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनाव का रण, सभी पार्टियों ने लगाया अपना दम। विधानसभा के सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी, हरियाणा की जनता किससे कितनी राजी। हरियाणा में निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया है। निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी ने कितनी तैयारी की है। बीजेपी की तैयारी, निकाय चुनाव से पहले सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम जनता के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ ओपी धनखड़ कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में जुटे हैं। खबर ये भी है कि खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा का भी हरियाणा पर फोकस है। कांग्रेस भी तैयार, वहीं कोरोना काल के बाद हो रहे निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयार दिख रही है। पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी की। हालांकि वो बात अलग है कि उनकी लिस्ट पर खुद कांग्रेस हाईकमान ने आपत्ति जता दी। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही छोटी सरकार के लिए सियासत शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों ने अपना दम लगा दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि जनता किस पर मेहरबान होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राजनीतिक समीकरण जो है वो बनने अभी से शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी भी एक नए खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर उभरी है। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है, तो वहीं भाजपा और जजपा एक साथ मिलकर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं।